हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्ट स्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो लेट अस सी आने वाले 24 घंटे में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा सो प्लीज़ जितना रेजनेट करे उतना ही लीजिए एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिल जाएगा okay so we have the high priestess the strength energy the four of wands justice knight of cups six of swords take it bottom deck energy here the temperance first of all collective um, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आने वाले 24 घंटे में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ आपके लाइफ में देर इज़ अ पर्सन अब ये पर्सन को आप रोमांटिकली जान सकते हैं या फिर ये फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके या फैमिली वट एवर बट ये पर्सन काइंड ऑफ आपके बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पाल रहे थे इस इंसान को आपके बारे में कुछ ऐसा ख्याल था या ये कुछ ऐसा सोच रहे थे या सोचते थे कुछ ऐसा उनका बिलीफ था जो बिल्कुल गलत था एंड इस वक्त जो हो रहा है इज़ यूनिवर्स उस गलत बिलीफ को उस गलत छवि को उनके मन में तोड़ना चाहते हैं ताकि वो रियलिटी को देख पाए वो रियलिटी को समझ पाए ये अभी तक आपको बिल्कुल ऑपोजिट नज़र लाइक नज़रों से देख रहे थे या आपके रियलिटी के बारे में इनको कोई भी टाइप का जानकारी इनके पास नहीं था ये अपने आ, मैं कहूँगी अपने तरह ये चीज़ों को इमेजिन कर रहे थे अपने तरह ये चीज़ों को अज्यूम कर रहे थे कि आप एक ऐसे इंसान हैं या आप वैसे हैं या आपकी किसी बात को इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक like, पेचीदा तरीके से समझा एंड देन उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ अलग ही यू नो इमेजिनेशन किया सो so, किसी का ये भ्रम किसी का ये गलत फेमी काइंड ऑफ यूनिवर्स तोड़ रहे हैं एंड जिसका रिजल्ट यह है कि ये पर्सन सामने से आके या तो आपसे माफ़ी मांगेंगे या तो ये पर्सन सामने से आपके साथ उनका रिश्ता सही करने की कोशिश करेंगे या फिर एक कम्युनिकेशन एक्शन मूवमेंट जो आपको भी ये यकीन दिलाएगा कि हाँ इस इंसान इस के मन में कुछ तो चेंज आया है इस इंसान ने कुछ तो रियलाइज़ किया है अब ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आके आपको ये बात कहे दैट उन्होंने ये रियलाइज़ किया या उनका ये एक गलत मिसकंसेप्शन था जो टूट गया है या वट एवर बट द गुड पार्ट इज़ एटलीस्ट इस इंसान के साथ आपका रिश्ता आपका कनेक्शन बेटर होगा या इसमें कुछ मूवमेंट्स आएंगे या एटलीस्ट ये पर्सन रियलिटी को रियलिटी के तरह ही देखेंगे ओके एंड बेसिकली इस इस कनेक्शन um, को इस इंसान के साथ आपका जो भी रिश्ता है उसको जस्टिस मिल रहा है उस रिश्ते को जस्टिस मिल रहा है ओके आई एम आल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अच्छा ये सब के लिए नहीं है ओके okay. ये कुछ गिने चुने लोगों के लिए है आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान है जो आपको भी पता है आपको पसंद करते हैं या आपको ऐसा लगता है आपको पसंद करते हैं ये इंसान आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या छोटे भी हो सकते हैं बट आपके उम्र के हिसाब से ये सेम नहीं है लाइक मान लेते हैं कि अगर आप 30 साल के हैं या तो ये 25 के हो सकते हैं या 35 के हो सकते हैं 30 के ये नहीं है वैसे मैं बता रही हूँ तो ऐसा कोई इंसान है जो काइंड kind ऑफ of आपसे शादी करना चाहते हैं लाइक लिटरली ये पर्सन सपना देखते हैं कि आप उनके हस्बैंड हो या वाइफ हो अब इसमें ट्विस्ट ये है बहुत से लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है मैरिड है ठीक uh, kind of है बट ये पर्सन काइंड ऑफ आपके ऊपर नजर रखते हैं या ये पर्सन कभी कभार मे बी आपसे बात करते हैं या फिर जैसा भी हो ये इंसान का ये एक सपना है कि या फिर आप इसे फैंटसी कहो इमेजिनेशन कहो डे ड्रीमिंग कहो इन्हें लगता है कि आप दोनों एक कपल बन सकते थे या आप दोनों अगर कभी भी ऐसा सच हो जाए कि आप दोनों की शादी हो या शादी तक बात पहुंच जाए सो दिस पर्सन इज़ लाइक उपसेस्ड विथ यू योर एनर्जी या आपका पर्सनैलिटी ये ऑलमोस्ट उपसेस्ड है ये पर्सन एक लियो सजेटेरियस या टॉरस हो सकते हैं बट अगेन जरूरी नहीं है ये किसी भी साइन के हो सकते हैं या आप एक लियो सजिटेरियस या टॉरस हो सकते हो बट अगेन ओके लिब्रा भी बट वो जरूरी नहीं है ओके आई सी दर इज टाइप ऑफ बैलेंस जो यूनिवर्स आपके लाइफ में रिस्टोर करना चाहते हैं यहाँ पे मे बी आपका लाइफ लेटली बहुत आउट ऑफ बैलेंस हो गया था सब कुछ टाइम पे नहीं हो रहा था या आप जैसे इमेजिन कर रहे थे आप जैसे चाह रहे थे सिचुएशन वैसे मूव नहीं हो रहा था सो दर वॉज अ लॉट ऑफ इम्बेलेंस दर वॉज अ लॉट ऑफ लाइक एनर्जी जहाँ पे आप कुछ करना चाह तो रहे थे बट वो चीज़ वैसे हो नहीं रहा था एंड आपको लग रहा था कि थोड़ा सा आप स्टक हो मरलडअप हो उस सिचुएशन में बताऊं कि चीज़ें फ़ाइनली बैलेंस में आ रहा है चीज़ें फाइनली वैसे हो रहा है जैसे आप प्लान कर रहे हो या आप एटलीस्ट एक सोल्यूशन तक पहुँच पा रहे हो आप एटलीस्ट आपके आने वाले लाइक like, सामने का रास्ता आप क्लियरली देख पा रहे हो सो आई सी अ डेवलपमेंट आपके रेगुलर लाइफ में आपके रोज़ के ज़िंदगी में दैट um, थोड़ा सा आपको एफर्टलेसली लाइक आप थोड़ा सा एफर्टलेस फील करोगे या आपको थोड़ा सा लगेगा लगेगा दैट हाँ लाइक फाइनली सिचुएशन मेरे प्लानिंग के अनुसार या बैलेंस होके चल रहा है जिंदगी में फाइनेंस में आप काफी खुश लग रहे हो अपने काम आप काफी बैलेंस्ड तरीके से आज हैंडल कर रहे हो एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी कि uh, खुद के ऊपर प्रेशर मत डालिएगा विथ योर वर्क सिचुएशन क्योंकि um, आप अभी भी या इस 24 घंटे में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको लगे आप श्योर sure नहीं हो कुछ डिसिशंस को लेके या आपको थोड़ा सा और सोचने की टाइम चाहिए या फिर आप कुछ छोटे मोटे चेंजेस लाना चाहते हो उस मैटर में मैं कहूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपको टाइम चाहिए प्लीज डू टेक दैट टाइम अपने आप को फोर्स मत कीजिए या अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए टू परफॉर्म बेटर टू डू बेटर या वट एवर इट इज़ थोड़ा सा समय दीजिए बिकॉज आप काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हो बट आप अपने पेस से कर रहे हो आप अपनी स्पीड से कर रहे हो सो डोंट प्रेशराइज़ योर सेल्फ उससे आप खुद को ही और भी ज़्यादा कन्फ्यूज कर सकते हो सो so, इस 24 फोर आवर्स को थोड़ा सा स्लोली लीजिए थोड़ा सा रिलैक्स वे में हैंडल कीजिए आई एम श्योर यू विल गो अहेड एंड बी फाइन ठीक है सो दैट इज़ आई हैव यू हियर टुडे Thank you so much for watching. Like, share, comment, and subscribe if you are new here. And of course, I'll again see you in another reading. Take care, stay blessed, and goodbye.